लेकिन जलसा हर हाल में होगा। आज तमामी विंग सेल के अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया 22 दिसंबर को राष्ट्रवादी भवन के सामने दगलो आयल मिल में शहरी लेवल पर एक जलसा लिया जाए। इस बात का मैं ऐलान करता हूं कि 22 दिसंबर बरोज जुमा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जलसा दगलो आयल मिल में होगा और पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ भी आवाम की नाराजगी है, शहर के एमएलए के खिलाफ भी नाराजगी है, नासिक जिले के पालक मंत्री दादा भुस्से साहब के खिलाफ में भी शहर के अंदर बहुत नाराजगी है और कॉरपोरेशन के प्रशासक जो प्रशासक जिस दिन से बना है आज तक वो भ्रष्टाचार में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है और शहर को 600-700 करोड़ रुपए का कर्जदार बना चुका है। ऐसे बहुत सारे मसाइल और सेक्स स्कैंडल भी बहुत सामने आ रहे हैं शहर में। खैर ये सियासी टॉपिक नहीं है, लेकिन जो अपने आप को बहुत पारसा शहर में बताते हैं ऐसे लोगों का भी पोस्टमार्टम करना पड़ता है कभी कभी, तो ऐसे बहुत सारे उन्वान के ऊपर ये जलसा होगा। शहर के एमएलए 4 साल नाकाम हो चुके हैं और जो झूठ फसाद की सियासत कर रहे हैं, मैंने इतना करोड़ लाया मैंने उतना करोड़ लाया, तो उसका भी पोस्टमार्टम होगा और हमारे मुकर्रर मुकम्मल तैयारी के साथ में जलसा करेंगे, तकरीर करेंगे और शहर में मैं और हमारे तमाम ही अहदेदारान कॉर्नर मीटिंग की भी शुरुआत करेंगे 7 तारीख से, 7 दिसंबर से, और इंशाल्लाह शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में क्यादत में 22 दिसंबर को जलसा होगा। मैं शहर की आवाम से राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम ही वर्करों से जिम्मेदारान से यह अपील करता हूं कि जलसा कामयाब बनाए और शहर को विकास डेवलप कॉरपोरेशन को बचाना, झूठ और फसाद से दूर रखना आवाम को और एक नई ऊर्जा के साथ एक नई उमंग के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैदान में आ रही है। और छोटे छोटे लोगों का तो मैं जवाब नहीं देता हूं, छोटे मोटे जो भी सियासी लीडरान हैं, लेकिन बहरहाल समाचार सबका लिया जाएगा, हमारे मुकर्रर भी लेंगे और मैं भी लूंगा, आवाम से अपील है कि जलसे को कामयाब बने। सर कल देखा गया कि जिला एसपी आधी रात को मालेगांव का दौरा कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं एक सियासी जो सूझबूझ है जितनी भी मेरे पास कि शहर में रात में के वक्त अगर जिला एसपी साहब शहर के अंदर दौरा कर रहे हैं तो इसका मतलब शहर का लैंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर शहरी पुलिस के हाथ से छूट चुका है, इसलिए जिला एसपी साहब को आना पड़ रहा है, इसका मतलब यही होता है। सरकार में बैठे बड़े मंत्री मतलब यहां रहे तो उसके बावजूद यहां? अब ऐसा है कि सरकार में बैठे मंत्री हो एमएलए हो, इनका ही दबदबा अगर पुलिस पे खत्म हो गया जाहिर सी बात है शहर का लैंड ऑर्डर तो छूटने ही वाला है। सर जनवरी तक का सरकार ने दफा 144 का हुक्म दिया पूरे महाराष्ट्र पर, उसके बाद आप जलसे का ऐलान कर रहे हैं, अगर पुलिस कार्रवाई हुई है तो फिर उसके बाद जलसा का कैंसिल कर दिया जाएगा या लिया जाएगा? नहीं, मुझे भी मालूम हुआ है कि नासिक जिले के अंदर जमावबंदी लगी हुई है, जनवरी तक का पता है, उम्मीद है कि उससे पहले हमारे जलसे से पहले जमावबंदी खत्म हो जाए, लेकिन जलसा तो हर हाल में होगा, अगर पुलिस परमिशन देगी तो भी होगा और पुलिस परमिशन नहीं देगी तो भी होगा, और पुलिस ने परमिशन नहीं दिया तो राष्ट्रवादी भवन के ऊपर टेरिस के ऊपर जलसा होगा, आवाम को जहां से सुनना सुनेगी, लेकिन जलसा हर हाल में होगा।